की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अभी तक हम क्या बेच रहे थे? गुड्स बेच रहे थे, सामान बेच रहे थे। अब क्या बेचेंगे हम? सर्विस बेचेंगे। ठीक है, कह रहे हैं आफ्टर इनेबलिंग जीएसटी इन द कंपनी वी कैन रिकॉर्ड इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई। मतलब जैसे जीएसटी पे इनेबल करते हैं आप क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं? इनवर्ड और आउटवर्ड, यानी परचेज और सेल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं सर्विसेज की। चलिए आज हमें काम करना है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, दो टाइप की चीजें होंगी। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक होता है टैक्स इंक्लूड, मतलब कि हम कह दे 5 लाख रुपए टोटल लगा है, इसमें जीएसटी भी है, इसी में है, यानी तुमको ना प्रिंसिपल अमाउंट पता है और ना जीएसटी अमाउंट पता है। अगर प्रिंसिपल पता होता तो आराम से जीएसटी निकाल लेते, नहीं तो नई दिक्कत हो गई थी। क्वेश्चन में रहते हैं कि मानो प्रिंसिपल यक्स है, तो यक्स का 18% याद आ रहा है ना? हाँ, 18/100 भागा टोटल अमाउंट जो भी दिया रहता है, 5 लाख पे 5 लाख। अब इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, सीधी सी बात। तो वैसे यहाँ पे भी करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? टैक्स एक्सक्लूसिव। टैक्स एक्सक्लूसिव का मतलब टैक्स अलग से लग रहा है, इसी पे लग रहा है, अलग से लग रहा है। एक्सक्लूसिव का मतलब अलग से, और इनक्लूसिव लग जाएगा तो उसी में। यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्सक्लूसिव मतलब अलग से टैक्स लग रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले एक लेजर बनाएंगे एडवर्टाइजिंग सर्विस के नाम से। किस नाम से? अच्छा, एडवर्टाइजिंग सर्विस अगर आप लेते मतलब परचेज करते तो आपके लिए एक्सपेंस होता, एक्सपेंस होता ना, लेकिन आप बेच रहे हैं, बेच रहे हैं तो क्या होगा? इनकम होगा। क्या होगा? इनकम होगा। चलिए एक लेजर बनाएंगे एडवर्टाइजिंग सर्विस के नाम से, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम रख देंगे, फिर काम। कुछ कुछ है ही नहीं हिसाब करना, तो हम ही कर देते। एक पेज लाइए अगर रफ पेज हो। हाँ, कर डीडीआई में है ना? दिया लेकिन देखिए ध्यान से, क्रिएट में आइए, लेजर क्रिएट कर लीजिए। किस नाम से बनेगा? एडवर्टाइजिंग ठीक है मैं सर्विस क्या अंडर बुक क्या होगा? इनडायरेक्ट इनका इनकम होगा। इनका अब बेच रहे हैं ना, इनकम हो जाएगा। इंटर करेंगे, अब इसी पे जीएसटी भी लगाना है। इंटर, यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे जीएसटी आपको लगाना है। देखिए क्या कहा है, आना है इंडिया इनकम पे, यहीं पे जीएसटी अप्लीकेबल कर देना है और टैक्स भी लगा देना। तो इंटर करेंगे, अप्लीकेबल लेगा, यहाँ लेंगे स्पेसिफाई डिटेल हेयर। क्या लेंगे? स्पेसिफाई डिटेल हेयर। एसएसएन नंबर ले लेंगे, एसएसएन नंबर दिया होगा 99-83। इंटर, और यहाँ पे ले लेंगे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, कितना परसेंट टैक्सेबल, कितना परसेंट? 18%। यहाँ सर्विस ही लेंगे। एक बार फोटो खींच लीजिए, यही होना चाहिए। फोटो खींच लीजिए जल्दी से, मुझसे कोई नहीं खिंचवाएगा, बता दे रहा हूँ। देखिए उधार लगवा दे रहे हो तुम लोग, पैसे नहीं दे रहे। अब इंटर करके क्या करेंगे? इसको एक्सेप्ट कर देंगे। हो गया, अब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। वाउचर में आ जाइए, सेल्स में आ जाएंगे। देखिए अब किसमें सेल किया? नॉर्मल सेल्स किया है ना, नॉर्मल सेल्स किया है तो नॉर्मल सेल्स में आ जाएंगे। कहाँ पे? F8 से। क्या सेल्स? F8 से नहीं, 7 8 से सेल्स में आ जाएंगे। हाँ, सेल्स में करेंगे। पार्टी का नाम क्या रहेगा? इसको सेल कर रहे हैं, देखिए सामने, देखिए यहाँ पे पार्टी का नाम है सेलो प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है? सेलो प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पहले आइटम तो बेच नहीं रहा है, सर्विस बेच रहा है ना, यहाँ से मोड चेंज करेंगे। कौन सा मोड? अकाउंटिंग इनवाइस मोड पे काम करेंगे। यहाँ पार्टी का नाम क्या रहेगा? सेलो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अरे यार ऐसा ले लीजिएगा, सेलो नहीं है क्या? सेलो अल्ट सी करके क्या करेंगे, बना लीजिए सेलो इंडिया। पीवीटी एलटीडी।
अपनी वहां का ही है, संडे डेप्टर होगा ना, उत्तर प्रदेश का ही होगा, एक्सेप्ट कर लीजिए। इंटर 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 और सर्विस में क्या बनाया है, एडवर्टाइजिंग सर्विस, यहाँ के ले लेंगे एडवर्टाइजिंग सर्विस। इंटर करेंगे तो दो मांगेगा, एक यहाँ मांगेगा इंक्लूसिव जीएसटी वाले। इंक्लूसिव में तब डाला जाता है जब क्वेश्चन में कहा हो कि जीएसटी इंक्लूड हो, नहीं तो इंटर करेंगे और यहाँ अमाउंट डालेंगे 5 लाख लगा देंगे सी जी एस टी। देख रहे ना, यहाँ पे नहीं डालेंगे, यहाँ पे कब डाला जाता है, यहाँ पे तब डाला जाता है जब देखो 5,90 हो गया, 5 डाले थे ना आप, यहाँ नहीं डाले थे, वहां डाले थे, यहाँ इंक्लूसिव तब डाला जाएगा जब कहा जाएगा कि जीएसटी इंक्लूड है। अच्छा अगर ये नहीं आ रहा है तो क्या दबाएंगे, यहाँ एक ऑप्शन आएगा F12 दबाएंगे, नोट कर लीजिएगा, और यहीं पे एक ऑप्शन आएगा जीएसटी प्रोवाइड है, क्या लिखा गया है, प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स ले जाए, इसको यस कर लीजिएगा। अगर आपको में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब इसको नो कर दे रहे हैं, अब देखिएगा नो कर दे रहे हैं तो अब देखिएगा, इसको इंटर करेंगे ना तो वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ये जो आ रहा था इंक्लूसिव आ रहा है। अब देखो इसके बाद एंसर कर रहे हैं, नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, उसके बाद हट जा रहा है, लेकिन वही F12 दबा के कर देंगे उसको, F12 दबा के और इसको यस कर देंगे। अब करेंगे जब तो ऑप्शन आने लगा, देखो डिस्क्रिप्शन, इसके बाद ये ऑप्शन आने लगा, आने लगा ना, इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा, हो जाएगा। हो गया, नेक्स्ट बताइए। नहीं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है टैक्स इंक्लूसिव, यानी जिसमें टैक्स पहले से इंक्लूड, तो ऑप्शन वही F12 जो हम कहे हैं उसी को यस कर लीजिएगा, यस कर लीजिएगा, यस करके काम कर लीजिएगा, यस रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, वहां मत डालिएगा, मैं बता ही दिया हूँ। इसका इनवाइस नंबर क्या है, 8 CGPL जो भी है लास्ट में डाला जाएगा, सेम चीज वही है, इस बार कितने का है, 1 लाख का है, और कहा है कि इसी में 1 लाख में 18% जीएसटी भी इंक्लूड है ना। चलिए, यानी कि सेलो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ ले लेंगे एडवर्टाइजिंग सर्विस, और यहाँ पे डालेंगे अब 1 लाख, यहाँ 1 लाख डालेंगे ना, 1 लाख अपने आप पहले काट लेगा 18%, देखो 18% पहले काट दिया, 84,000 बचा हुआ है, नहीं एडवर्टाइजिंग सर्विस से 84,000 का, और बाकी क्या चला गया, सी जी एस टी और बाकी एस जी एस टी, और 1 लाख रुपया हो गया कि नहीं हो गया। हाँ देखिए यही किया हो, देख लीजिए सही है। हाँ अब मान लीजिए, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे नहीं डालते, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे अगर नहीं डालते, यहाँ पे 1 लाख नहीं डालते, हटा देते यहाँ पे, और यहाँ पे 1 लाख डालते तो अभी जीएसटी बढ़ जाता है, ठीक है जीएसटी बढ़ जाएगा, 76 था ना, अब देखो 9,000 हो गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, इसलिए इसमें जीएसटी इंक्लूड था, इसीलिए हम 1 लाख रुपया कहाँ डाले थे, यहाँ डाले थे 1 लाख, देखो सही हो गया, कर लेंगे। हाँ बस हो गया, इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा, हो गया। कर लेंगे ऐसे ही। अब फार्म का है, खेती के लिए है, आपको पता ही ना खेती वगैरह पर टैक्स नहीं लगता है, एग्जेम्प्ट होता है, कैसा होता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो एक लेजर बना लेंगे पार्टी का नाम, जिसका नाम खुशी फार्म है, और एक बना लेंगे एग्रीकल्चर सर्विस, एक लेजर बना लेंगे, तो दो लेजर बनाना है। चलिए इसके से पीछे आइए, आप लोग खत्म हो गया क्या, आएंगे कहाँ पे, क्रिएट में, और एक लेजर बनाएंगे खुशी फार्म के नाम से, किस नाम से, खुशी फार्म, अंडरग्रुप संडी डेप्टर ही होगा, एक्सेप्ट कर लिया, और एक बनाएंगे आप एग्रीकल्चर सर्विस, एग्रीकल्चर सर्विस, इसका अंडर क्या होगा, सर्विस बेच रहे हैं ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकम, इनकम इस पे भी ये रहेगा, जीएसटी ये रहेगा, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, रह गया, स्पेसिफाई डिटेल क्लियर कर लीजिएगा, और एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा ना, जीएसटी नंबर जो भी दिया होगा डाल लीजिएगा,
दिया होगा लेकिन 99 86 दिया ना, 99 86 डाल दीजिए, 86 इंटर। और यहाँ पे डालेंगे स्पेसिफाई डिटेल हेयर पे, और यहाँ पे कर लेंगे क्या एग्जाम, लिख लीजिए फोटो खींच लीजिएगा एग्जाम। नाराज है मुस्कान लग रहा है, खाना खा के आई नहीं है बेचारी, तो वही हो गया क्या जी? दे दो जी, उसका भी दे दो, बेचारी खाते दर्द करने लगेगा, इतना काम करवा रहे हो तो सुखवा रहे बेचारी, तुम लोग काम करवा रहे हो, पढ़ने आइए, तुमको मोबाइल देने आइए, लो दे दो। अब देखिए समझ में आ गई इतनी बात ना, तो इसको एग्जेम्प्ट ही रखेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स नहीं लगता है, हो गया। अब ट्रांजिशन को किया जाए, वही सेम ट्रांजिशन तरीका होगा, वाउचर में सेल करेंगे, पार्टी का नाम क्या रहेगा, खुशी फार्म, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे एग्रीकल्चर सर्विस, एग्रीकल्चर आ गया, अरे क्या दब गया, एग्रीकल्चर ना, एग्रीकल्चर ही बनाया क्या, लास्ट में ही बनाया क्या? गधे हो तुम, फोटो की जुआ से कल बुलवा दोगे हमको, सर्विस इंटर इनडायरेक्ट इनकम अरे डिटेल हेयर 99 86 स्पेसिफाइड डिटेल हेयर एग्जेम्प्ट मतलब सर्विस क्या हो गया। वाउचर पे चलेंगे, पार्टी का नाम खुशी फार्म, और यहाँ ले लेंगे एडवर्टाइजिंग सर्विस इंटर करें। देखो यहाँ पे जीएसटी अमाउंट देखिएगा, चाहे यहाँ अमाउंट डालिएगा चाहे वहां डालिएगा, कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि जीएसटी पे लगना ही नहीं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कितने का है, 50,000 का। देखिएगा आप यहाँ हम जीएसटी लिख देना है इंग्लिश में, यहाँ 50,000 लिख रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे भी 85,000 आएगा, जीएसटी लग रहा है क्या? अच्छा वहां नहीं डालेंगे तब ना, सॉरी कंट्रोल इंटर, आता टैक्सेबल कर दिया तो लगेगा नहीं, एग्जेम्प्ट रहेगा ना, अब ना नहीं लगेगा। अब देखिए कैसे करिए, इंटर इंटर यहाँ डालिए, कितना 50,000 था ना, अब देखिए 50,000 वहां भी डालेंगे यहाँ भी डालेंगे, कोई अंतर नहीं आया, अमाउंट कम हुआ नहीं हुआ, चाहे 50,000 यहाँ डालिए चाहे इंग्लिश में डालिए कोई दिक्कत नहीं, अंतर ही नहीं आया, क्यों? क्योंकि एग्जाम है, फ्री है, इंटर इंटर का एक्सेप्ट कर लीजिए, हो गया हो गया, कर लेंगे, हाँ कर लेंगे, बस खत्म हो गया, खत्म हो गया नोट ना, जय हिंद, थैंक यू।